जमीन पर उतर आए कुछ तितली के पंख से नजर आए। फिलहाल हम मौजूद हैं इस वक्त लखनऊ के बटरफ्लाई गार्डन में और हम आपको बता दें कि ये गार्डन लखनऊ के चिड़ियाघर में खुला है और इस गार्डन की सबसे खास बात ये है कि उत्तर प्रदेश का सबसे पहला बटरफ्लाई गार्डन है। तो आइए आपको लेकर चलते इस बटरफ्लाई गार्डन में और बात करते हैं यहाँ के डायरेक्टर से। उत्तर प्रदेश का पहला बटरफ्लाई पार्क है। बटरफ्लाईज होती है वो प्लांट्स स्पेसिफिक होती है, इसलिए उनके जितने होस्ट प्लांट है, नेक्टर प्लांट्स हैं, उनके एग लेइंग प्लांट्स हैं, जिन पर उनके कैटरपिलर फीड करते हैं। शहरों की भीड़ भाड़ और कंक्रीट के उगते जंगलों ने कुदरत की खूबसूरती को हमसे छीन लिया है। जिन तितलियों के पीछे आप बचपन में दौड़ा करते थे, अब वह हमसे दूर होती जा रही हैं। लखनऊ जू आपके बचपन के उन्ही दिनों को वापस ले आया है। कुछ दिनों पहले यहाँ प्रदेश का पहला तितली पार्क शुरू हुआ है। यहाँ तितलियों की करीब 150 प्रजातियाँ आपको दिखेंगी। हालांकि अभी 40 प्रजातियां ही हैं, लेकिन दिन ब दिन इनकी तादाद बढ़ती जा रही है। बहुत अच्छा, ये टूरिस्ट अट्रैक्शन काफी अच्छा इन्होंने बना दिया नया और बहुत ही इनोवेटिव चीज है जो कि कॉमनली देखने को नहीं मिलती है। मेरा नाम सल्तनत रुखसार है। मैं पुणे से आई हुई ये स्पेशल जू देखने एंड देन बटरफ्लाई पार्क देखने। यहाँ पे कलरफुल जो प्लांट्स एंड फ्लावर्स हैं और बटरफ्लाईज हैं, काफी अच्छा लुक दे रहे हैं नेचर का, एंड वी लव नेचर एक्चुअली। देखो ये जो अंडे देती हैं, ये जो पत्ते होते हैं उसके नीचे की साइड पे देती हैं, डोर्सल साइड पे देती हैं, तो अपने आप वो बारिश से बच जाते हैं, आंधी से बच जाते हैं, हवा से बच जाते हैं। तो ये थे हमारे साथ लखनऊ बटरफ्लाई गार्डन के डायरेक्टर। अगर आप भी फैमिली के साथ घूमने के लिए किसी सुकून वाली जगह की तलाश में है तो इस बटरफ्लाई गार्डन की ओर कूच कर सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सुभाष भट्ट के साथ भावनी सिंह, आज की खबर लखनऊ।